Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jai Study classes. In this video, we are going to see the question and their answer of chapter 5, that is interrogative sentences. So let's start it. तो जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आप सबको तो पता है, आप सबने इसे पढ़ लिया है कि जो भी सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होती है. तो आज हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस चैप्टर का. ओके, तो जो सी नंबर है इसमें क्या कह रहा है, मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंट्रोगेटिव. तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी सेंटेंसेज यहाँ पे दिए हुए हैं इन सभी को क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. तो सबसे पहला क्या है, सुप्रिया वॉज रिस्पेक्टफुल टू हर टीचर. तो आप सबको तो रूल पता ही है कि कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे एक सिंपल सेंटेंस को, स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन में चेंज करेंगे. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉज लिखेंगे, उसके बाद सुप्रिया रिस्पेक्टफुल टू हर टीचर. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं या क्वेश्चन सेंटेंस हम इसे कह सकते हैं, उसके एंड में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है. देखो आप सब देख सकते हो कि पूरे सेंटेंसेज में क्या है, सब में क्वेश्चन मार्क है. ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर सेंटेंस के एंड में जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए. ओके, टू नंबर देखते हैं, द मीटिंग इज़ एट 6 PM. तो इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इज़ द मीटिंग एट 6 PM. सिमिलरली 3 नंबर 4 नंबर आप सब देख सकते हो पूरा है ऐसे. ओके, ये वैसे तो मैंने आप सबको ये कंप्लीट करवा दिया है एंड अगर आपने इसे नहीं किया तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे. ओके, एंड आप इसे वीडियो पोस्ट करके अपने लिख सकते हो, बुक ही में करनी है इसे. अगर आपके पास बुक है तो आप इसे बुक ही में करो, बेटर रहेगा. एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. वैसे तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, वैसे फिर भी आप एक बार देख लो ये समझने के लिए. जैसे कि 5 नंबर देखते हैं, द गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स. तो इसका क्या होगा, आर द गर्ल्स रीडिंग बुक्स. 6 नंबर, ही शुड बिलीव यू. इसका क्या होगा, शुड ही बिलीव यू. एंड ऐसे ही पूरा क्वेश्चन का मैंने आंसर इसमें लिख दिया है, आप सब अच्छे से देख लोगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्लियरली. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट ऑन इन कमेंट सेक्शन. एंड आप कमेंट में ये भी बताओ कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.